आज हम बनाएंगे चॉकलेट नान खटाई। ये रेसिपी बहुत ही इजी है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। चॉकलेट नान खटाई बनाने के लिए हमने ये सामग्री ली है। एक कटोरी मैदा, आधी कटोरी बेसन, दो स्पून सूजी, आधी कटोरी पीसी हुई चीनी, दो चम्मच कोको पाउडर, आधी से थोड़ा कम घी, बादाम कटा हुआ, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा ग्लास दूध। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और मैदे को छान लेंगे। अब हम बेसन छानेंगे, सूजी, पीसी हुई चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, इन सबको अच्छे से छान लेंगे। ये हमने छान लिया है, अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे। अब हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें बादाम डालेंगे, थोड़ी इसमें डालेंगे, थोड़ी ऊपर से डालेंगे। अब हम जरूरत के अनुसार दूध डाल के डो बना देंगे। ये हमारा डो बन गया है, ये देखिए इस तरह का डो बनाना है। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक हम गैस की तरफ चलेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे और गैस पर कुकर को रखेंगे और इसमें नमक डालेंगे। ये नमक मैंने बहुत बार यूज किया हुआ है, इसीलिए इसका कलर ब्राउन है। और इसमें हम ये रिंग को रखेंगे और इसको गरम होने देंगे। कुकर में से रिंग और सीटी को निकाल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक करके गरम होने देंगे। तब तक हम नान खटाई बना देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ये हमारा डो तैयार है। अब हम इसकी नान खटाई बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाना है। अब हम इसके ऊपर बादाम डालेंगे, ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। इसी तरह से हम सारी नान खटाई बना देंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से नान खटाई बना दी है। अब हम इसे कुकर में रख देंगे। अब हम कुकर को खोलेंगे, इसे सावधानी से करिएगा, ये बहुत ही गर्म है। और इसे स्लो गैस पर बेक होने देंगे। अब हम कुकर को खोलेंगे, देखिए हमारी नान खटाई हो गई है। इसे होने में 15 मिनट लगी है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे बाहर निकाल देंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। ये ठंडी हो गई है, इसे हम सर्व करेंगे। इसी तरह से हम सभी बना देंगे। ये हमारी चॉकलेट नान खटाई तैयार है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो आप जरूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।